के लिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं राजमा दाल और चने दाल को भिगो के रख देती, 3-4 घंटा भिगो के रखी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें 5 से 6 सीटी मार लेती हूँ मीडियम गैस पर, और फिर मैं आपको इसका मसाला रेडी करके दिखा देती हूँ कि क्या क्या मसाला डालूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या की हूँ कि ये भूल गई थी निकालना, ये सॉरी फ्रेंड्स, मसाला दिखाना भूल गई थी क्योंकि दीदी का कॉल आ गया था मेरा, तो उसमें बात करने लगी थी मम्मी, तो मैं मसाला को नहीं दिखा पाई। तो मैं इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या पीसी हूँ। इसमें मैं पीसी हूँ 2 प्याज, थोड़ा सा कच्ची मिर्ची, लहसुन, अदरक और जीरा। याद रखिए, 2 प्याज पीसी हूँ, लहसुन पीसी हूँ, अदरक और कच्ची मिर्ची और जीरा इसमें पीसी हूँ। और यहाँ फ़ौरन के लिए ले रखी हूँ प्याज, जिसे बारी बारी काट ली हूँ, और यहाँ इसमें 2 तेज़पत्ता। तो फिर सब चलिए मैं बनाना दिखा देती हूँ, और तब तक मेरा कुकर निकल रहा है हवा, तब तक यहाँ चलिए दिखाती हूँ मसाला फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऑयल डाल दी थी गर्म करने के लिए, तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 3 तेज़पत्ता। यहाँ पर मेरा डाल देते हैं ओनियन डाल के इसको अच्छे से ओनियन को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मैं हर वीडियो में इसमें नहीं, मेरा नॉर्मल कुकिंग चैनल है, इसमें बोलती हूँ हर वीडियो में कि मैं प्याज को देसी नहीं पकाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैं इसे प्याज को अच्छे से पका लेती हूँ थोड़ा सा, 50 से 60% ही पकाऊँगी, देसी नहीं पकाऊँगी। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ मेरा मसाला डाल दूँगी। फ्रेंड्स मेरा प्याज जो है पक गया है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जो मैं मसाला का पेस्ट बना के रखती हूँ, तो इस पेस्ट को डाल देती हूँ। यहाँ देखिए पेस्ट डाल दी हूँ, अब मैं पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें बाकी का मसाला डाल देती हूँ, तो यहाँ पर मैं डालूँगी फिर, यहाँ पर मैं ले रखी हूँ 1.5 चम्मच के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से अब थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, यहाँ मैं डाल देती हूँ काली मिर्च का पाउडर, डाल के सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके, और इसको अच्छे से 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे, मसाले को अच्छे से पकाएंगे इसी में। जब मेरा मसाला पक के अपने आप खुशबू छोड़ देगा और चारों तरफ से ऑयल, यहाँ देखिए जो मेरा है ना, तो चारों तरफ से ऑयल छोड़ दिया है, तो ये अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है फ्रेंड्स। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा ये है, तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए जो मेरा दाल है और राजमा है, अच्छे से बॉयल हो गया है, ये देखिए अच्छे से सीख गया है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि जो मेरा दाल है इसमें डाल देती हूँ मेरा, तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि इसको थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। तो इसको मैं 5 से 6 मिनट पकाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि इसको हाई मीडियम पर इसको अच्छे से पकने दे रही हूँ। हे गाइस, ये देखिए मेरा जो दाल मखनी है राजमा का, तो ये देखिए बन गया है। तो जो ये ग्रेवी जो इसका दिख रहा है, तो बहुत सूफ, थोड़ा सा मैं और 2 मिनट पका लेती हूँ, फिर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर कलर आया है, तो मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी 2 मिनट और पका के।